ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर तो गर्म है ही, लेकिन मौसम भी बहुत गर्म है। जी हाँ, अब बात मौसम के गर्म मिजाज की, क्योंकि बढ़ती तपती गर्मी ने सबको परेशान कर रखा है। लोगों का घर से निकलना बहुत दूभर हो चुका है, मानो सूरज आसमान में नहीं धरती पर उतर आया है। आग उगलते जून के महीने में प्रचंड गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है। गर्मी का प्रकोप बदस्तूर जारी है, तो वहीं लोगों पर सूरज की प्रचंड किरणें भारी हैं। गर्मी से जूझ रहे लोग कभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो कभी भगवान से पुकार। आस यही कि कुछ तो मिले राहत, कुछ तो हो निवारण। आखिर कैसे पाया जाए निजात, कैसे दे इस तपती गर्मी को मात। सभी गर्मी से है त्राहिमाम। अब इस सरकार का कहना है कि प्रदेश में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी, अगर कहीं हुई तो वहाँ पानी की सप्लाई करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन इलाकों को चिन्हित भी किया गया जहाँ से समस्याएं नजर आई। लेकिन गर्मी से जूझते लोगों की यह तस्वीर तो कुछ और ही कहानी बता रही है। पानी की ऐसी कठिनाई गर्मियों में स्वाभाविक रूप से आती है, तो जिन जिन गाँव में पानी वाटवर्क्स में कम है, वहाँ निर्देश दे दिए हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट को कि प्राथमिकता पर उन गाँव में सब में पीने का पानी पहुँचाया जा रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और साथ में हमारा जो पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो भी इस पर निगाह रखे हुए हैं, पानी की कमी किसी प्रकार की नहीं आने दी जाएगी। तो वही इलाके में आए तूफान से उम्मीद थी कि लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इस भयंकर तूफान ने गर्मी को कम करने की बजाय लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। बिजली के खंभे और पेड़ों को तो पूछिए मत, तूफान के झोंके ने सड़कों पर तबाही मचा दी। तो अभी जून का ही महीना है, आगे गर्मी का पूरा सीजन बाकी है, और ऐसे में गर्मी का अनलिमिटेड प्रकोप अभी तो सभी को तपा रहा है। आगे के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से लोगों को राहत दी मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो तापमान 47 के पार हो चुका है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अभी भी इस मौसम से, इस गर्मी से निजात आपको मिलने वाली नहीं है। कुछ समय लगेगा, थोड़ा समय इंतजार करना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं तापमान में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, और ऊपर से खबर भी गर्म है, मौसम भी गर्म है, लेकिन इस गर्म मौसम में आपको कैसे बचाव करना है ये भी हमने आपको जानकारी दी थी। लेकिन साथ ही साथ ये बढ़ता मौसम, प्रचंड गर्मी कब तक हमें सताएगी, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे आपके इलाके का, आपके हलके का हाल हम जानेंगे। गुरुग्राम से हमारे साथ संजय जुड़े हैं। संजय, प्रचंड गर्मी को लेकर रोजाना हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी हम बात कर रहे हैं, आप भी फील्ड पे उतरते हैं और गर्मी का सामना आप भी करते हैं, आज की स्थिति क्या थी? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात करें थोड़ी गिरावट जरूर थी आज में, लेकिन गर्मी की हम बात करें तो ये यानी कि जो उमस है वो उमस बन गई, क्योंकि जो कल तूफान आया था उसकी वजह से जो टेम्परेचर उसमें थोड़ी राहत जरूर आई है। लेकिन लोगों को हम बात करें ऑफिस जाने में काफी तकलीफ होती है, जो एक हम लू की बात करते हैं जो आंधी चली थी उसके कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो सांस लेने में लोगों को काफी तकलीफ जरूर हो रही है। तो गुरुग्राम की खासतौर पर बात करें जो टेम्परेचर है काफी हाई रहता है, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन लोगों को तकलीफ का सामना आज भी करना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया आपका, और ये तकलीफें आगे बढ़ती रहेंगी और कुछ समय तक ऐसे ही बढ़ी रहेंगी। शुक्रिया संजय आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो बढ़ती गर्मी और इस बढ़ती गर्मी की वजह भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मौसम में इतना परिवर्तन हो क्यों रहा है, इसके लिए कहीं हम और आप तो जिम्मेदार नहीं है, इस पर भी जरा गौर फरमाइएगा। फिलहाल आज के खबर गर्म है में इतना ही, नमस्कार।